रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, क्या हाल चाल है आपका, कैसे आप? हम उम्मीद करते हैं बिल्कुल सही होंगे, ठीक होंगे, और दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ढेर सारी खुशियां दे। और मीना साहब इधर ना बाहर दे अंदर चले ने कुछ खान पीन दे, आज तुम भी नाल खवाइए, ठीक है जी। तो ये थोड़े से व्यू इधर से बाहर से देख लें, ठंड काफ़ी ज़्यादा है, सर्दी है। ये देखें नीचे जो ओस पड़ी है ना, ओस पै पै के देखो नीचे, वो कितनी सारी इंज लगता जिस तरह बारिश हुई, सारे रस्ते गिले हुए। चले जी, चले मोई साहब कह रहे हैं चलो चले अंदर। वालेकुम अस्सलाम, तो मेरी बेगम कह रही थी कि बाहर के ऊपर नाश्ता करना है, तो मैं सोचा कि इसको साथ लेके आऊं। लो सरप्राइज ही मुका दिया इधर करा रहे हैं, तो आप भी नाश्ता। हाँ जी चले आए, चले चले मोई साहब चले। अच्छा जी, ये है जी बाहर जिसके अंदर हम जा रहे हैं, और ये देखिए इन्होंने कितनी प्यारी सजाई है, यहाँ पर लाइटें भी लगाई हैं। तो ये इस तरफ इन्होंने रखा हुआ जिंगल बैंड, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ठीक है जी, ये रखा हुआ जी इन्होंने इधर, इसको कितना प्यारा डेकोरेशन करके दी जिंगल बैंड को। तो चलते हैं अंदर, अंदर से आपको थोड़ी सी बाहर भी दिखाती हूँ। ये देखें कितनी प्यारी इन्होंने सजाई है, ये देखें। तो ये जो म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है ना आपको, ये म्यूज़िक मेरा पुत्र चला रहा है। यहाँ पर इन्होंने एक डस्टबिन रखी है जिसके अंदर आप अपने बारिश वगैरह हो तो छतरियाँ डालें, ठीक है जी, मतलब रख लें इसी। अच्छा जी, ये देखें वो बाहर अपने टेबल वगैरह जो ना बाहर लगा रही है ओपन, जिसने बैठ के खाना पीना हो। ये सोफे देखे कितने प्यारे हैं। तो ये जो मेरा पुत्र है ना, जाओ उधर जा के चलाओ, ये देखें ये हर जगह पे गाड़ियाँ ही चलाता रहता है, बस कहता है ये गाड़ियों का रास्ता है, सड़क है। अच्छा ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी बार है जी, और ये ऊपर आपको जो नज़र आ रहा है ना पैप, इसको इटालियन में कहते हैं तूबो। तो ये क्यों लगा है मुझे पता है, लेकिन मैं मीना साहब से आपकी बात करवाती हूँ, वो आपको ज़रा समझाते हैं, बताते हैं, मुझे भी समझाते हैं साथ, ठीक है जी। ये ना देखो कितनी प्यारी सजाई है, ये देखें इधर भी। मीना साहब अस्सलाम वालेकुम जी, तुहानू दोबारा तो ते आड़ा ऊपर तूबो है, तूबो फिर क्यों लगाया इन्होंने, जरा दे बारे रोशनी पाओ। अच्छा जो हीटर चलते हैं उनकी हवा आती है। अच्छा अच्छा, तो ये सारे है ना बार को गर्म करते हैं। अच्छा जी, इस तरफ से बार के आपको विजिट कराऊँ थोड़े से, ये देखिए कितनी प्यारी बार है, ये सामान भी काफ़ी सारा बिच रखा है उन्होंने। ये है जी बिस्किट, ये चॉकलेट, ये बिस्किट। अच्छा जी ये देखें, ये भी चॉकलेट है, ये देखें जी, ये दूध डाल रही है अभी इसमें, काफ़ी बनाएगी उनके सिर्फ, ये देखें ठीक है जी, ये बना रही है, कहती गर्म गर्म चाहिए, कह रहे हैं जी गर्म गर्म चाहिए, ये देखें ठीक है जी। ये जो वो चिग बना रही है बिच, देखो चिग बनाने वास्ते मशीन आ गई, अल्लाह की कुदरत माशाल्लाह सुभान अल्लाह है, ज़्यादा दूध गर्म होता है तो उसकी जाग तो बनती है। ये देखें अभी जी काफ़े का गिलास आ जाता बड़ा सारा, फिर आपको वो भी दिखाते हैं। ये ऊपर छोटे छोटे कप पड़े हैं जिन्होंने ज़्यादा तेज पीनी होती है, देखिए इस तरह बना रही है। जिससे इसने दूध गर्म किया ना, उससे सिर्फ गर्म हवा आती है। हाँ वो हवा आती है, इसमें जाग बनाते हैं सारी जी, जाग देखो दूध गर्म ही, और जाग बनाते हैं जैसे हमारी मज्जों का दूध निकाले तो गर्म गर्म आता है ना, तो जाग बनती है, ये वही हिसाब है, ठीक है जी। अच्छा जी यहाँ पर ये काफ़े बनाने लगी थी, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह बना रही है। ये है जी प्लेट, इसमें आएगा वो बंद ब्रियोश, ये बना रही है जी वो काफ़े, ये देखें देखा दूध गर्म भी हो गया और जाग भी बन गई माशाल्लाह, बड़ा सारा गिलास पार के देने लगी, बहुत चंगी जनानी है, अल्लाह ताला इनू जिंदगी दे, सानू काफ़ी बना के देन दे। अच्छा जी जितनी देर तक काफ़े बना रही है मैं ज़रा आपको ये दिखाऊं, ये देखे कितने प्यारे फ्रेश फूलों का भी गमला रखा, डालना चाहे तो ये शहद भी है। अच्छा जी जुकेरो नहीं डालना चाहिए, मतलब चीनी नहीं डालनी तो शहद भी डाल, देखे चीनी की कितनी वैरायटियां हैं, अगर कोई चीनी इस तरह के इस्तेमाल नहीं करता, ये देसी चीनी भी है तो वो शहद डाल सकता है, शहद डाल सकता है, देसी चीनी मतलब शक्कर आ ना ले, जैसे काज पहली लाई है, और ये सारे जो है ना बियर शियर कोका कोला ये वो उनके हैं, सारे बियर के हैं, ये सारे बियर अगर किसी ने पीनी है तो वो बियर के लिए सारे बने। अच्छा तो ये जो इन्होंने रखे ना बड़े बड़े स्ट्रा प्रायरे वीबर पैप, ये ना सारे जूसा वास्ते रखे, जूसों के लिए। अच्छा जी ये एक मिनट बेटा एक मिनट, ये ब्रियोश लेने गई थी तो मैंने कहा पता नहीं किधर चली गई है। प्यारे व्यूअर बहुत खूबसूरती दे नाल नाश्ता देंदे ने, जिस तरह साडे मुल्क च खाना शाना खान जाओ तो करो ना, आया देखो अच्छा जी ये देखें जी ऊपर उन्होंने डाल दी चीनी, मैं वैसे जाती तौर पे ना एको इसने काफ़ी मिक्स की है, तो अब ये काफ़ी लाते मक्यातो बन गई, लाते मक्यातो बन गई मतलब काफ़ी बन गई, ठीक है जी ये देखें, ठीक है जी प्यारे व्यूअर। तो अभी हम नाश्ता भी करते हैं तो आपको दिखाते हैं कि हम इसको नाश्ते को खाते कैसे हैं। ए जी ऊपर काफ़े,
ठीक है जी। ये देखिए कितनी प्यारी काफे की तस्वीर है। ये होती है, ये भी वो ओरिजिनल काफे इस तरह होती है, जैसे वो गंदम का आटा, गंदम के नहीं होती है, इस तरह दाने आते हैं, लेकिन बाद में इसको पीस के ना, तो वो मशीन लगी हुई है इसमें ये दाने डालते हैं तो ऑटोमेटिक पीस के नीचे पॉलवेरा बनती है। अच्छा प्यारे व्यूअर, ऑटोमेटिक फिर पीस के ना बाहर तो आटा बना के बाहर निकाल देती थी। ये आगे नाश्ता हम करते हैं, नाश्ता उठाए में नाश्ता ग्रास से ऐसी सीजू करो ग्रास से। चले जी चलते हैं टेबल पे नाश्ता लेके। अच्छा वो मेरे ख्याल में बता रही थी कि मुझे ज़ाती तौर पे ना ब्रोश पसंद है, तो उसका क्या नाम है, पिस्ते वाला ना ही नहीं आंदा सी, पिस्ताकिया इधर कहते हैं लेकिन अपनी ज़बान में तो पिस्ता कहते हैं ना, तो पिस्तों वाला। तो ये जो शॉपर है ना, नवेरा के स्कूल जा रहे हैं, आज पार्टी है उधर, तो उन्हें नवेरा ने अपने टीचर के लिए गिफ्ट पैक किए हैं वो है। तो चले ज़रा नाश्ता नुश्ता कर लें फिर मिलते हैं आपसे। हाँ जी हाँ जी, आपकी गाड़ी भी दिखा देते हैं। ये मोइज़ की गाड़ी सारी खुलती है जी, ये देखें सारी खुल गई, लाइटें तो ऑन करें इसकी भाई। ये लें जी, मेरे पुत्र की गाड़ी की लाइटें भी ऑन होती हैं। इधर को करें जी, इधर को, ये देखें। अच्छा प्यारे व्यूअर, ये मीनार साहब आपको काफ़ी जो है ना उसमें चीनी डाल के ना खंड डाल के दिखाते हैं कि डालते कैसे हैं। क्यों मीनार साहब? मैं खंड डाल के दिखा रहा हूँ लेकिन मैं नाश्ता घर, मुझे इसने पराठे से करा दिया है, खुद आई है तो इसके लिए मैं बना रहा हूँ, इसी नहीं है, मैंने खाली बनाने वाला हूँ। ये बनाने वाले हैं? नहीं, वो दरअसल प्यारे व्यूअर मैंने काफ़ी टाइम का इंतज़ार कर रही थी कि मीनार साहब जाएँ मेरे साथ, तो चलो नाश्ता करें। तो मीनार साहब उन्हीं जो हैं वो आज घर में ही नाश्ता कर रहे हैं, पराठे का, चाय और पराठा। ये दो डाल दिए, तेज़ ही ना हो जाए खंड। अच्छा तो ये मोई साहब नहीं जो है ना वो भी इधर, जरा मास्क उतारे ना सर, अब तो अंदर बैठे हैं। तो मोई साहब जो है ना वो भी घर से आए हैं, चाय और पराठा दो तीन वाले खा के, तो अभी इसको थोड़ा सा ब्रियोश ब्रियोश खिला देते हैं साथ। अच्छा जी, वो कहते हैं थोड़ा जहा लाल बोता ही हो गया है, तो कोई गल नहीं, गुजारा कर लेना, तो बहुत ही कुरकरा जहा हो गया, तो मैं क्या तुम दिखा ही देवा, है वैसे बड़ा नरम ही अंदरों, आया देखो, है देखा जी, बड़े दिनों बाद आए हैं तो ब्रियोश ही लाल होया मिले। ये देखा आपने इतना कुरकुरा हो गया, कर 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 रहा है। अच्छा जी नाश्ता हमने कर लिया, ब्रियोश आज मज़े का नहीं था, कड़वा था, पर हमने खा लिया। ठीक है जी, नाश्ता क्या हुआ, अब हम निकलते हैं यहाँ से बाहर। यहाँ पर सारे ही उन्होंने डिटेल लिखी हुई जी, कड़ी चीज़ कितने दी, जड़ी खानी हो ले लो। ठीक है जी, आए देखो लें जी, हम आ गए बाहर। मोहित साहब जो है ना वो आने लगे हैं अपने पापा के साथ, सर्दी बाहर बहुत ज़्यादा है इसलिए मीनार साहब और उन्होंने स्कार्फ पहन लिए। तो चले प्यारे व्यूअर, इसी काफ़े ब्रियोश के नाश्ते के साथ हम करते हैं वीडियो ख़त्म। मोहित साहब मैंने आपको दिखाया ही नहीं, अब बोले अल्लाह हाफिज़। चले प्यारे व्यूअर अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जगह के ऊपर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।